नंबर 61 देखे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पेयर्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जैसे देखिए ये और ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, कह रहा है कि बताइए क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर उसी तरीके से ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर से यहाँ पे देखें ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, फिर उसी तरह से फिफ्थ में देखें, फिर उसी तरीके का फोर में देखें। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है उसके भी कुछ कंडीशन होते हैं कि अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो तभी होता है जब उसमें एटम का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका एटम माइग्रेट कर चुका है एक जगह से किसी दूसरे जगह पर, कोई एटम मूव कर चुका है, तो कभी भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो किसी भी एटम का वैलेंसी, किसी भी एटम का वैलेंसी एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक अगर वो प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो वो कभी भी अपने वैलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे स्ट्रक्चर में ही होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होता है बच्चों। ये सब पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तब चलिए यही सारा पॉइंट हम लोग इन सब के ऊपर लगाते हैं। अब जैसे देखिए, तो पहले तो ये देखिए कि क्या इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है या नहीं है। यहाँ देखिए कंजुगेशन है, लोन पेयर सिंगल और डबल का, तो अगर ये कंजुगेशन है इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो इसके वैकेंट प्योर वाइटल में आएगा और ये डबल बॉन्ड जो है बच्चों आगे शिफ्ट कर जाएगा। जब ये आप ऐसा करेंगे तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड जो है वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनायन में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों में एटम का मूवमेंट नहीं हुआ, जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतना ही यहाँ भी है। ठीक है, एटम का मूवमेंट नहीं हुआ, किसी भी एटम का वैलेंसी एक्सीड नहीं करा, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। ये तो पहला हो गया बच्चों। अगर हम इसकी बात करें सेकेंड वाले की, तो सेकेंड वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ठीक है, वो इसके साथ क्या कर रहा, ओवरलैप करवा रहा। तो यहाँ पे देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, हालांकि इसके पास भी वैकेंट प्योर वाइटल है, इसके पास भी वैकेंट प्योर वाइटल है, चूंकि इसका हाइब्रिडेशन कितना रहा, sp2 है, तो इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो ये जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे देखिए बच्चों कार्बन का कितना बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा है और कोई भी एटम कभी भी वैलेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माने जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन थर्ड में, थर्ड में देखिए क्या कर रहा है कि ये निगेटिव है, सिंगल है, डबल है, कंजुगेशन तो है, अगर ये कंजुगेशन होता तो कायदे से इसे क्या होना चाहिए कि ये लोन पेयर अगर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आता है तो चूंकि कार्बन का बॉन्ड बचाना है तो ये इधर जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ऐसा हुआ नहीं, दूसरी बात यहाँ पे कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब एटम के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ हुआ, और जब एटम के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो कभी एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते बच्चों, तो यहाँ पे तो ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अब फोर्थ में आए, फोर्थ में देखे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे दो दो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो किसी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल साथ इसका क्या करेगा, लोन पेयर ओवरलैप करेगा, तो जब ओवरलैप करेगा बच्चों तो यहाँ पे इसका 5 बॉन्ड बनने लगा, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग माइग्रेट कराते तो यहाँ पे सिंगल बन जाता, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर आता, तो वो देखिए यहाँ पे किया हुआ, और ये डबल से क्या बन जाता बच्चों, ट्रिपल बन जाता, इसका मतलब ये प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी भी एटम का वैलेंसी यहाँ पे एक्सीड नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक तो ये आ रहा, उसके बाद एक ये आ रहा। अब हम लोग बच्चों फोर्थ में देखते हैं, फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में अगर आप गौर से देखें तो आपको यहीं पे चेंजिंग दिख रहा होगा, यहाँ CH2 है, यहाँ पे क्या हो गया CH3 हो गया, यहाँ CH3 CH3, ये तो ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एटम का चेंजिंग है, यहाँ भी एटम का चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब जब एटम का चेंजिंग हो गया
तो कभी भी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसमें देखिए बच्चों कितना आंसर आ रहा, 1 और 4 आ रहा, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ बी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 में आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसमें आपको अरेंजमेंट ऑफ ये फॉलोइंग एल्कीन का, दिए गए एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। बच्चों जब भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना हो एल्कीन का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए ई आर एच आई लगाएंगे। किसी का भी स्टेबिलिटी देखना होता है तो हम ए ई आर एच आई लगाते हैं। अब बताएं कोई भी यहाँ पे कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, किसी में भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, तो अब कौन से फैक्टर से जज होगा, हाइपर है। हाइपर क्यों है बच्चों, क्योंकि हाइपर का कंडीशन होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल उसके बाद सी एच होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर अल्फा एच देखे बच्चों, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, से जुड़ा हुआ कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करते हैं। इस कार्बन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करें और वही कहलाता है अल्फा एच। यहाँ पे अल्फा एच देखेंगे तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 7 और यहाँ पे 2 होगा, तो ये कितना जाएगा बच्चों, 9 आ गया। यहाँ पे अगर आप अल्फा एच की बात करें तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिलेंगे और यहाँ पे 1 मिलेंगे। ठीक है, चूंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है वहां पे हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, अल्फा एच इसका कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। फिर यहाँ पे आकर देखें ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे वापस कितना, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट बगल वाले कार्बन पे हम लोग देखते हैं, ये वाला हो गया, यहाँ पे भी 4 अल्फा एच हो गया, यहाँ भी 4 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे आप देखे बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है, इधर तो कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ, यहाँ पे अल्फा एच अगर देखते हैं तो 2 आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, ये इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, फिर से इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, यहाँ पे अगर आप देखें अल्फा एच तो यहाँ पे अल्फा एच का संख्या कितना जाएगा, 6 आ रहा, 2 2 और 2। तो अब देखें ये हाइपर कंजुगेशन का रूल क्या बताया गया बच्चों, कि जहां पे जितना ज्यादा अल्फा एच होगा वहां का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 5 का सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, उसके बाद किसका हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा, यहाँ भी 4 अल्फा एच, यहाँ भी 4 अल्फा एच, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ पे 2 दिया हुआ, इसलिए दूसरा तो सबसे लास्ट मिल जाएंगे। अब डिसाइड करना थर्ड और फोर्थ में, तो बच्चों जब हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाए, ठीक है, इफेक्टिवनेस भी सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइपर कंजुगेशन कराएंगे तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा, ये एल्कीन 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से करा देखेंगे ये एल्कीन 2 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो एल्कीन अगर हमेशा 2 डिग्री दोनों में बन रहा है तब हम लोग लास्ट में क्या देखते हैं बच्चों, अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है, कोशिश फॉर्म में या ट्रांसफॉर्म में। तो अगर आप गौर से देखें तो ये कौन से एल्कीन में आ जाएंगे, सिस एल्कीन में, और ये कौन से आ जाएंगे, ट्रांस एल्कीन में, और आपको पता है कि ट्रांस ओरिएंटेशन का जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों रिपल्सन देंगे, ये दोनों क्या करेंगे ग्रुप, ये और ये रिपल्सन देंगे, ये दोनों जितना ज्यादा दूरी पे होंगे उतना रिपल्सन कम होगा, इसलिए यहाँ पे तीसरा से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, चौथा, उसके बाद आएगा तीसरा। अब देखें ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा, तो ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है हमारा डी। तो इस तरीके से हम ये 62 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा, इसमें आपको टोटल 12 कंपाउंड दिया हुआ, ठीक, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक का कंडीशन क्या होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको कंडीशन पता होगा कि एरोमेटिक के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक के लिए जो मेन कंडीशन है या पहला कंडीशन आप कह सकते हैं वो है साइक्लिक। एरोमेटिक का अगर हम कंडीशन आपको लिखें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लिक। एरोमेटिक का कंडीशन क्या हो जाएगा, साइक्लिक, ठीक। उसके बाद जो है उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, कंजुगेशन, उसमें क्या होना चाहिए, कंजुगेशन, कंजुगेशन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं प्लानर, प्लानर, और लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर 4n+2 का पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और
प्लेनर भी होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मिलाकर अगर आप देखें ना तो रेजोनेंस देखना आपको पूरे कंपाउंड के अंदर, पेरिफेरी के अंदर, कि एक जगह से रेजोनेंस करते हुए वापस हम वहीं पे आ जाना चाहिए, मतलब क्लोज लूप फॉर्म होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन का? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का करंट उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। करंट करने का मतलब मेरा हुआ कि इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसी कंडीशन को लगा के देखते हैं कौन कौन से एरोमेटिक आ रहा है। तो इसमें देखे बच्चों ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो साइक्लिक है तो कंडीशन तो हो गया। दूसरा देखेंगे कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है इस बाकी दो डबल बॉन्ड के साथ है कंजुगेशन में। तो ओवरऑल देखेंगे तो आप इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग बनेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरोमेटिक हो गया, क्योंकि आप इसी से 6 लाएंगे, 6 रख दें, एन का वैल्यू कितना जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0, 1, 2, 3 इस तरीके का आना चाहिए। तो आप 4n+2 बराबर कितना करते हैं, 6, तो आपको n का इनमें से कोई एक वैल्यू मिल जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, और इस तरीके से इसको हम लोग लोकेलाइज लोन पेयर बोलते हैं या डीलोकेलाइज बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग डीलोकेलाइज लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये है डीलोकेलाइज लोन पेयर। अब यहाँ पे आकर देखें, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन इन दोनों लोन पेयर में से कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, ये वाला रेजोनेंस करेगा, मतलब ये डी लोकेलाइज है। ये क्या है, डी एल हम लोग लिखते हैं बच्चों इसको, ठीक है, डी लोकेलाइज लोन पेयर। तो डी लोकेलाइज लोन पेयर जो है रेजोनेंस किया, तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ये पूरे में वापस कंजुगेशन, और कितने इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब ये भी क्या बच्चों, एरोमेटिक। फिर यहाँ पे भी देखें इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको पता होगा किसी एटम के पास कितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही करेगा। और दूसरी बात कि कोई डबल बॉन्डेड एटम का लोन पेयर हो तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो लोन पेयर जो है ना वो दूसरे वैकेंट ऑर्बिटल के साथ पैरेलल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए डबल बॉन्ड का जो लोन पेयर होते हैं बच्चों, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लोकेलाइज है, एल है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन आपको काउंट नहीं करना है। फिर यहाँ भी देखिए इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर को ही काउंट करना है। एक लोन पेयर आप यहाँ काउंट कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा, तो वापस इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा, 6 का। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। सेम कहानी यहाँ भी है, सल्फर और ऑक्सीजन में बस फर्क है बच्चों, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन रिंग का क्लाउड बनेगा क्लोज लूप का। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ तो इसका कंजुगेशन होगा नहीं, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे आप अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास। अब देखें ये लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, लोन पेयर है, सिंगल है, कार्बोकेटायन, मतलब पूरी तरीके से यहाँ कंजुगेशन है। और अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, इसके पास तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसी में से आ जाएगा, इनका वैल्यू 0 आएगा। तो ये भी बच्चों क्या हो गया, एरोमेटिक। अब यहाँ पे अगर आप देखें आके तो ये भी लोकलाइज्ड, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड, मतलब ये लोकलाइज्ड लोन पेयर जो कभी भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो पी वैकेंट ऑर्बिटल होगा और ये जो लोन पेयर है वो एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला बॉन्ड का, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला बॉन्ड का, ओवरऑल ये भी 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें क्लोज रिंग बनाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक। इसमें आप आगे देखें तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, मतलब कंजुगेशन है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जाएगा, 8 का, 8 का, 8 अगर इसको रख के सॉल्व करेंगे तो n का 1, 0, 1, 2, 3 में कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक है, लेकिन हमें तो सिर्फ एरोमेटिक बताना है, तो उसमें अभी नहीं जा रहे हैं कि ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है, तो चूंकि हमें सिर्फ एरोमेटिक देखना, ऐसे ये एंटी एरोमेटिक होता है बच्चों। फिर यहाँ अगर आप आके देखें तो इसमें देखें 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका, कंजुगेशन तो है ही पूरे में, प्लेनर भी है, इसका मतलब 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो ये भी कितना रहा, 2, 4, 6 और 8, इसका मतलब ये भी 8 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले कभी भी हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि 8 इससे कभी आएगा ही नहीं इनका वैल्यू। अगर आप इसमें देखें, इसमें देखेंगे तो ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड, ये लोन पेयर सॉरी डी लोकेलाइज्ड,
ये लोन पेयर लोकलाइज, ये लोन पेयर भी लोकलाइज, सब एल है। एल का मतलब क्या बच्चों, लोकलाइज। ये सब भी आपको पहचानना पड़ता है। जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करे वो लोकलाइज, जो नहीं करे वो हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज। तो ये बच्चों हो गया। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक तरह से 2, 4, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 फिर से आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किए और ये सॉरी 6 नहीं 4 चार बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किए और एक लोन पेयर। तो टोटल इस रिंग में 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन का रिंग इसके अंदर मूव करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक हो गया। अब देखें यहाँ पे अगर हम जो उसको क्वाजी एरोमेटिक भी बोल सकते थे, लेकिन ये क्वाजी एरोमेटिक भी नहीं होगा क्योंकि 4 सेपरेशन करने के बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आया। देखिए डबल सिंगल कार्बोकैन सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पूरे इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ये भी ए ए हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक आप बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे देखें तो ये तो 6 का आ रहा बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये तो एरोमेटिक है ही। तब देखिए आंसर कौन कौन आ रहा, पहला आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, सातवां भी है, ठीक है। मतलब 1 से लेके 7 तक पहला लगातार दिया, 1 से लेके 7 तक। देखिए कहाँ पे दिया हुआ आपका आंसर, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक, क्योंकि यहाँ पे है 1 से लेके 7 तक। मतलब आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 64 का, तो 64 देखें इसी से बेसिस पे कहता है बताइए इनमें से बहुत सारा नाइट्रोजन है मार किया होता है, तो बताइए लीस्ट टेंडेंसी किसका है प्रोटोनेट होने का। मतलब कि अगर हम इस कंपाउंड को एच प्लस के साथ रिएक्शन करें तो एच प्लस किस नाइट्रोजन पे जाने का चांस सबसे कम होगा। तो बच्चों एच प्लस वहीं पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो आप देखिए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो किसी एटम पे अगर देखना हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम है तो हम लोग वही देखते हैं कि उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर उसी के पास है, मतलब लोकलाइज है या डीलोकलाइज है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो गया बच्चों, लोकलाइज है। ये लोन पेयर भी क्या बच्चों, लोकलाइज है। ये जो लोन पेयर है ये भी क्या लोकलाइज है। ये लोन पेयर आप ये सॉरी ये लोन पेयर क्या डी लोकलाइज है। ये लोन पेयर क्या बच्चों, डी लोकलाइज है। इसका मतलब कि 4 एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन के, जिसमें से 2 एटम जो है वो क्या है लोकलाइज है और 2 एटम क्या है डी लोकलाइज है। तो लोकलाइज एटम और डी लोकलाइज एटम की अगर हम बात करें तो डी लोकलाइज एटम पे एच प्लस का रिएक्शन स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल लोकलाइज, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अब सोचना है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा डीलोकलाइज है। तो अगर हम कंजुगेशन की बात करें तो देखें ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा, मतलब ये है लोन पेयर सिंगल डबल इसके साथ, लोन पेयर सिंगल डबल इसके साथ, यहाँ देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल यहाँ तक आ रहा कंजुगेशन, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पे यही आ रहा है कि इसका कंजुगेशन ज्यादा दिख रहा है, इसके कंपेरिजन देखें तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये भी देखें 2 के साथ कंजुगेशन है, जबकि इसका देखें क्या लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल। इसका इधर भी जा रहा है, इसका इधर भी जा रहा है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे है तो ये वाला जो रिंग है बच्चों, ये वाला जो स्मॉलर रिंग है वो क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। ये रिंग क्या हो रहा बच्चों, एरोमेटिक है। देख रहे हैं ये जो स्मॉलर रिंग है, ये पूरा कंपाउंड नहीं बल्कि ये पार्ट अगर हम देखें, ये स्मॉलर रिंग को ये क्या बना रहा है, एरोमेटिक, क्योंकि इसमें अगर ये प्रेजेंट रहता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है। और जो लोन पेयर एरोमेटिक में पार्टिसिपेट कर रहा उसका टेंडेंसी किसी दूसरे को देने का बहुत कम होगा, इसलिए अगर हम बात करें इसमें और इसमें तो ये जो ए वाला लोन पेयर था नाइट्रोजन का वो बहुत ही कम एच प्लस को अट्रैक्ट कर पाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखें एच प्लस का रिएक्शन तो सबसे स्लो एच प्लस का रिएक्शन ए पे ही होगा और वो आंसर कौन सा बच्चों, बी है। इसका मतलब इसमें 64 का आंसर क्या हो गया, बी। तो इस तरीके से हम इन दोनों सवाल को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें कह रहा क्या कि बताइए कि जिस जिस एटम को हम इंडिकेट कर रखे हैं एरो से, ठीक है, उनमें से किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मतलब कि इंडिकेटेड एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना बच्चों, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कंसेप्ट होता है कि जिस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं उसके पास आप देखें कितना लोन पेयर है, ठीक है, और कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम को ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर ये दोनों 2 आता है, अगर ये दोनों जोड़ने पे कितना आ गया, 2 आ गया, तो हम लोग sp बोल देंगे।
अगर किसी एटम के पास लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ने पे 3 आ जाए तो उसको sp2 बोलते हैं, और 4 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, sp3। उसी तरीके से 5 में sp3d, 6 में sp3d2, ठीक 7 में sp3d3, इस तरीके की इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट होता है। खैर ऑक्सीजन या सेकेंड पीरियड एलिमेंट में sp, sp2 और sp3 तक मैक्सिमम हम लोग देखते हैं। चलिए तब हम लोग यही कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे अब देखिए इस कार्बन का इंडिकेशन किया हुआ, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा यहाँ पे होगा, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, लोन पेयर तो इसका है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और लोन पेयर हो गया 0, तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 3 आने पे हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, sp2, इसीलिए इसका हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा sp2। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के बारे में पूछा, एक यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन, तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब sp3 हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखें दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, सिंगल हमेशा सिग्मा लेना ठीक है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हुआ, तो एक सिग्मा यहाँ पे और दो सिग्मा यहाँ पे, मतलब 3 आ गया। लोन पेयर तो अभी भी नहीं है, इसका मतलब इसका भी हाइड्रोजन sp2 हो गया। इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 है, तो 4 में कभी भी sp3 या sp2 नहीं आ सकता। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा हो गया, और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो दो सिग्मा और एक लोन पेयर जोड़ने पे अभी भी तो 3 आ ही जाएगा ना, और अगर ये 3 आया तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें sp हो जाएगा, चूंकि एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, तो दो सिग्मा लोन पेयर 0, तो दो जोड़ने पे आ गया, इसके लिए sp हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, और यहाँ पे देखें कार्बन पास लोन पेयर है नहीं, तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब वापस कितना sp2, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर जोड़ने पे 3 ओवरऑल, तो sp2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसका देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो 4 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो लोन पेयर है वो क्या बच्चों, रेजोनेंस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो कहीं भी अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा, कहीं भी अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा या ओवरलैपिंग हो रहा होगा, तो वहां पे बच्चों एक लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना। जैसे 2 लोन पेयर हम काउंट कर रहे थे ना, तो इसमें समय एक ही लोन पेयर काउंट करना, सोचिए एक लोन पेयर अगर यहाँ काउंट करते हैं तो एक लोन पेयर हो जाएगा, एक सिंगल यहाँ एक सिंगल यहाँ, तो 2 सिंगल 2 सिंगल का मतलब वापस कितना हो जाएगा, ये sp2 ही होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि रेजोनेंस करने वाले लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि इस एटम का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, और इसके पास टोटल 2 लोन पेयर था, 2 में से 1 तो रेजोनेंस कर गया होगा, तो जो बचा होगा उसी को काउंट करेंगे। तो देखने से भले ही लग रहा कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है, लेकिन एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में काउंट सिर्फ एक ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें पता चल गया कि sp2 इसका आ गया, sp2 इसका आ गया, sp2 इसका आ गया, और फिर इसका आ गया, मतलब पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद आपका 7वां आ रहा है, सॉरी ये 5वां आ रहा है, ठीक है, पहला तीसरा 5वां, उसके बाद 7वां आ रहा, फिर से 8वां भी आ रहा, ठीक है। तो ये देख ले आंसर आपको कहाँ पे मिल रहा है, पहला उसके बाद दूसरा नहीं है, उसके बाद तीसरा है, तीसरा के बाद आपको फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद आपको सेवेंथ है, सेवेंथ के बाद एट्थ, तो एट्थ तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप इसी को ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 8 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये sp3 नहीं आएगा, आपसे कह रहा था sp2, तो sp2 तो यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा एक नोट में क्या लिखा, नॉट ऑल द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिसप्लेस्ड, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेस यहाँ पे नहीं करना लोन पेयर को, तो जब डिस्प्लेस नहीं करना है नॉन लोन पेयर को, तब तो ये sp3 हो जाएगा। ऐसे कायदे से अगर देखें तो sp2 होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो आप आंसर मिलाने के लिए इस तरीके से आंसर ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखो बच्चों, इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताने। तो अगर आप देखें तो ये सीधा सीधा अगर देखें तो ये अल्कोहल है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में अगर कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा, मतलब अल्कोहल कम होगा, तो ए तो सबसे कम होना चाहिए, तो ए कम देखिए तीनों में दे रखा। अब इन तीनों में देखिए कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो इसमें देखिए ये 3 CF3 लगाया हुआ, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, खींचेगा, इसलिए चौथा सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे 2C है, यहाँ
यहाँ पे एक एफ है तो उसके बाद तीसरा हो जाना चाहिए, तो चौथा सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद आएगा बच्चों आपको तीसरा, उसके बाद कौन आएगा आपके लिए फिर से आ जाएगा ये पांचवा, ये सॉरी दूसरा आ जाएगा, क्योंकि वहां पे एक एफ लगा हुआ, उसके बाद आपको मिलेगा कौन सा, उसके बाद आपको मिल जाएगा पांचवा, उसके बाद आपको मिल जाएगा पांचवा, फिर आपको मिल जाएगा पहला, इसका मतलब ऐसा आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके का आंसर देखो बच्चों कहाँ पे मिल रहा, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए इसमें क्या कर रहा बच्चों, कह रहा रैंक द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी, और यहाँ लिखा मोस्ट स्टेबल फर्स्ट, मतलब इसमें जो ऑर्डर होना चाहिए वो पहले वही रहना चाहिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब जैसे देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ बच्चों, कार्बो कैटाइन दिया हुआ, तो ये जो कार्बो कैटाइन दिया हुआ बच्चों, इसमें हमें ये देखना है कि ये जो कार्बो कैटाइन है क्या इन चारों कार्बो कैटाइन में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्या, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि एरोमेटिसिटी देखेंगे हम लोग पहले, जो कि है नहीं, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, और लास्ट में लोग क्या देते हैं बच्चों इंडक्टिव। तो अब यहाँ पे देखिए सब में हाइपर लग गया, चूंकि ना तो रेजोनेंस है ना तो इक्विवेलेंट है ना तो एरोमेटिसिटी, यहाँ से यहाँ तक लेके कोई फैक्टर ऊपर वाले में नहीं है, ये एच और आई देखना था, तो पहले तो हम एच देखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा एच सिर्फ दो होगा, इसके पास अल्फा एच कितना हो जाएगा बच्चों, दो अल्फा एच। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा एच आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे अल्फा एच आपको मिल जाएगा तीन और दो पांच मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप अल्फा एच देखेंगे तो यहाँ पे तीन और तीन छह, चूंकि इस कार्बन पे दो ऐसा लगा हुआ है, इस कार्बन पे दो मिथाइल ऐसे लगा हुआ है, उसके बाद ये कार्बो कैटाइन है, ये क्या है कार्बो कैटाइन है, इसी के ऊपर तो यहाँ पे कार्बो कैटाइन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा तीन यहाँ पे और बाद में फिर से ये CH2 किया हुआ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन तीन छह और दो आठ आएगा, तो यहाँ पे अल्फा एच का संख्या कितना बच्चों, एट है, और यहाँ पे अगर अल्फा एच देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, नाइन मिल जाएगा, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब ये पहले होना चाहिए जबकि ऐसा दिया हुआ नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर देखिए रेडिकल है, तो रेडिकल में भी वही बात है बच्चों, सेम कहानी यहाँ पे भी है, तो रेडिकल में भी सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है कि ये पहले होना चाहिए, दिया हुआ नहीं है, इसमें अगर आए तो ये एनायन है, एनायन का क्या होता है बच्चों, एनायन तो हाइपर करता नहीं, हम लोग रीजन इंडक्टिव देखेंगे चूंकि बाकी कोई प्रोसेस है ही नहीं इधर वाला, तो इंडक्टिव देखेंगे, इंडक्टिव में देखेंगे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, मतलब ये ऑर्डर सही लिखा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ये भी एनायन ही है, चूंकि लोन पेयर दिखा रखा है, ये भी क्या बच्चों एनायन ही है, एनायन अगर है तो यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है कि ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, और बेंजीन रिंग अगर ऐसा लिखा हुआ है, दो बेंजीन रिंग यहाँ पे बच्चों ये क्या कर रखा है, बना रखा है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ना, चूंकि ये रेजोनेंस करेगा, ये क्या करे जाएगा बच्चों यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 11, तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये कम स्टेबल दे रखा है, इसका मतलब ये भी क्या है गलत है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अब 68 की बात करते हैं, 68 में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, कह रहा क्या कि बताइए मोस्ट एसिडिक, अब यहाँ देखिए क्या लिखा कंजुगेट एसिड, ये क्या लिखा बच्चों कंजुगेट एसिड, और गौर से देखिए इसका क्या दे रखा पीकेबी वैल्यू दे रखा, मतलब बेस का स्ट्रेंथ दे रखा, और आपको पता होगा कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर में हम लोग ये जानते हैं कि वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा, वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होता है बच्चों स्ट्रॉन्गर होता है, वो क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है, इसका मतलब हमें बस यही देख लेना है इन चारों में वीक बेस कौन सा है, तब तो सोचिए बच्चों वीक बेस कौन सा होगा जिसका पी के बी वैल्यू जितना ज्यादा होगा, पी के बी वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा वीक बेस होगा, और जो वीक बेस होगा उसका कंजुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, तो हम इनमें देखिए इतना है इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो ये जो 13 है ये बहुत ही वीक बेस है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसका कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग 68 को सॉल्व कर सकते हैं। 69 देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब एक कंपाउंड का नाम लिखा हो, उसका आपको स्ट्रक्चर पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
तो अब सबसे पहले तो ये देखें कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। तो बेंजीन क्या होता है बच्चों, तो बेंजीन को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, अल्टरनेट आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, ये हो गया बेंजीन। उसके बाद कह रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो जब हम लोग बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता क्या बच्चों, SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अब कह रहा पैरा नाइट्रो, इसका मतलब इसके पैरा पोजिशन पे क्या करना हमें, NO2 ग्रुप लगा देना, ये हो गया पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखिए बी में, डी बी आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करा, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको फैक्टर क्या क्या याद रखने हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है एच बॉन्डिंग। सिक्वेंस क्या है वो ध्यान से देखिए आप, सबसे पहला आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला काम हमारा यही होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। जिसमें भी अगर एच बॉन्ड होगा, जिसमें भी एच बॉन्ड होगा तो उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर एच बॉन्ड है तो उसका ज्यादा होगा। मान लीजिए दो दो तरह का एच बॉन्ड दो कंपाउंड में आ जाए, तब देखना है आपको कि किसमें इंटर मॉलिकुलर है, किसमें इंट्रा मॉलिकुलर है। तो इंटर वाले का क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, इंटर वाले का ज्यादा हो जाएगा किससे, इंट्रा वाले से, ठीक। इस तरीके से आप हिंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखना होगा, उसके बाद आप देखें पोलर और नॉन पोलर, तो पोलर वाले का एच बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, नॉन पोलर से, नॉन पोलर वाले से, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड ही आता है, तो नॉन पोलर कंपाउंड का, नॉन पोलर कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिकुलर वेट के ऊपर। किसके ऊपर होता है बच्चों, मॉलिकुलर वेट के ऊपर। और लास्ट में आप ये फैक्टर याद रख सकते हैं कि अगर मॉलिकुलर वेट सेम हो गया, मतलब आइसोमर हो गया, मॉलिकुलर वेट सेम हो जाए अगर, तब हमें क्या देखना होगा, सरफेस एरिया, तब क्या देखना होगा, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हम लोग कैसे देख सकते हैं बच्चों, सरफेस एरिया देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया देखने के लिए आप ब्रांचिंग देख सकते हैं, सरफेस एरिया देखने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा सरफेस एरिया उसका उतना ही ज्यादा होगा, ये सॉरी सरफेस एरिया उसका उतना ही कम होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना कम होगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया SA घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल अब हम देखते हैं पहला फैक्टर, ये देखिए क्या है, ईथर है, तो ईथर में बच्चों कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस नहीं है। इसमें देखिए क्या है, कीटोन, ये क्या है, कीटोन है, तो कीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल होगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है। फिर यहाँ पे देखें तो ये अल्कोहल है, ये क्या है बच्चों, अल्कोहल है, तो इसमें एच बॉन्ड होगा क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है। फिर अगर आप इसमें देखें तो ये क्या है, एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसमें ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखें हाइड्रोजन भी है लोन पेयर भी, तो ज्यादा ज्यादा ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जबकि OH इतना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते पर मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड। तो इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर को भी सेलेक्ट करके बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं।